मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फोर्थ फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन। आज इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फॉर वेराइटीज ऑफ टाइल्स। कि हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या फिर जब कभी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो देखो बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसके क्या क्या आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है, आपका होता है सब स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो ये टाइल्स यूज होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर्स में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखो एक बिल्डिंग मैं यहाँ पे बनाता हूँ नक्शा, ठीक है। सबसे पहले मैं जाकर एक बिल्डिंग का प्लान बनाता हूँ, तो आपको स्क्रीन पे एक बिल्डिंग दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ये कोई बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, कोई घर है हमारा, और ठीक है ये कोई घर है। अब इस घर में क्या होगा, ये जो पहला वाला फ्लोर होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर। और इसके ऊपर देखो क्या हो गया, हो सकता है यहाँ पे कुछ ट्रस लगा हो, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रस का अरेंजमेंट हो। और ये किसको सपोर्ट कर रहा है, आपके रूफ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, रूफ का रूफ कवरिंग मटेरियल्स लगा होगा। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं टाइल्स। ये टाइल्स कहाँ यूज होता है आपका, पहली बात तो देखो ये टाइल्स आपका यूज होता है आपके सुपर स्ट्रक्चर्स में। अबव द ग्राउंड लेवल जो भी हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सुपर स्ट्रक्चर्स। अब देखो सुपर स्ट्रक्चर कहाँ यूज होगा, एक तो पहली बात आपके आपके कहाँ यूज होगा, ग्राउंड फ्लोर में यूज होता है, टॉप फ्लोर में यूज होता है, फर्स्ट फ्लोर में यूज होता है, ठीक है। और कहाँ यूज होता है आपका, एज अ रूफ कवरिंग मटेरियल्स के रूप में भी यूज हो सकता है ये टाइल्स, ठीक है। तो अब हम उन्हीं टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के हमारे पास वेराइटीज होती है टाइल्स के, ठीक है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे इसके वॉल्स के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, टाइल्स को लगा सकते हैं। तो बेसिकली तीन जगह यूज होता है और इन्हीं टाइल्स के बारे में हमको स्टडी करनी है, ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ए टाइल्स इज अ थिन ऑब्जेक्ट यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। क्या बोल रहा है, जो टाइल्स होता है हमारा स्क्वायर शेप में भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला, देखो टाइल्स इज मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ हार्ड वियरिंग मटेरियल सच एज सिरेमिक, स्टोन, मेटल, बेक्ड क्ले और इवन ग्लास, जनरली यूज फॉर कवरिंग रूफ्स, फ्लोर्स, वॉल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल टॉप। ओके, तो क्या मतलब, क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ये टाइल्स कैसा है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल होता है हमारे पास, ठीक है। एक तीन ऑब्जेक्ट है, किससे बना होता है, ये हार्ड वेयरिंग मटेरियल से बना होता है, जैसे कि सिरेमिक्स, स्टोन्स, मेटल्स, बेक्ड क्ले और इवन ग्लास भी हम इसको यूज करके हम क्या करते हैं, टाइल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स नहीं है, इसलिए उसको स्किप कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स को। अब ये जो टाइल्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम इसका यूज करते हैं जैसे कि मैंने बताया कहाँ यूज करते हैं, एक तो रूफ कवरिंग में हम यूज कर सकते हैं टॉप, ठीक है, उस कवरिंग के ऊपर हम इसका यूज कर सकते हैं, फ्लोर्स के ऊपर एज अ टाइल्स। रूफ कवरिंग में हम खपरेल, जनरली आप जानते हो कि खपरेल जिसको आप लोग हिंदी भाषा में बोलते हो, तो खपरेल की यहाँ पे बात होगी। फ्लोर्स में हम टाइल्स यूज करते हैं, मार्बल्स हो गया, ठीक है, इन सब की। एंड देन वॉल्स पे भी हम क्या यूज करते हैं, आजकल मार्बल्स आपने देखे होंगे, ठीक है। मार्बल लगाने से क्या होता है, खर्चा कम आता है हमारे पेंट्स वेंट्स का, अगर आप वॉल पे इसको लगाएंगे तो, ठीक है। और कहाँ यूज कर सकते हैं, सच एज टेबल टॉप्स, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, एक टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैसा होना चाहिए हमारे टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात तो देखो जो भी आप टाइल्स लेकर के वो कैसा हो, एक जैसा कलर हो, मतलब यूनिफॉर्म कलर हो। ऐसा ना हो कि आप जो टाइल्स लेकर के आ रहे हो कोई ब्लैक निकल रहा है, कोई व्हाइट निकल रहा है, तो आप जब उसको घर में लगाओगे, ठीक है, अगर थोड़ा वो भी जैसे कि मान लो कोई ब्राउन निकल गया, कुछ अलग अलग कलर आ गया, तो दिखने में क्या होगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जैसा भी जो भी कलर लगाओगे, आप जैसा जो भी टाइल्स लगाना चाहो, कैसा होगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ताकि एस्थेटिक्स लुक अच्छा लगे। दूसरा, जो भी आप टाइल्स लगाओ कैसा हो, प्रॉपरली बर्नड हो। अब ये जो टाइल्स होता है ऑब्वियसली उसको बनाया जाता है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैचिंग करते हैं, जो भी हमारा आ इंग्रेडिएंट्स होता है उसको मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं, देन उसमें वाटर ऐड करके हम क्या करते हैं, उसको किसी मोल्ड्स में डालते हैं, मोल्ड्स में डालने के बाद उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद क्या किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, देन उसको
बर्न किया जाता है, देन बर्न करने के बाद जो हमको प्रॉपर जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड टाइल्स। अब देखो ये टाइल्स अगर ओवर बर्न हो जाएगा तो भी बेकार है, अंडर बर्न हो गया तो भी बेकार है। तो प्रॉपरली जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, जितना भी हमको बर्न करना है उतना प्रॉपरली ये होना चाहिए। तीसरा जो टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉल्ड फ्री फ्रॉम क्रैक्स फ्लॉस एंड बेंड्स। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई आप टाइल्स लेकर के आए वो क्रैक्स हो, ठीक है, या फिर उसमें कुछ फ्लॉस हो, या फिर कैसा वो बेंड्स हो, ठीक है, जैसा कोई जैसे एक प्लेन चाहिए वो प्लेन ना होगा कि हल्का सा कहीं बैंड हो गया ऐसा करके, तो भी वो टाइल्स आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैसा होना चाहिए टाइल्स? और टाइल्स होना चाहिए आपका हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ तक उसकी लाइफ टाइम मतलब जो भी उसकी लाइफ होगी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हर साल बाद मेरे को टाइल्स चेंज कराना पड़ रहा है क्योंकि तो उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट क्या हो, प्रॉपर शेप में हो, प्रॉपर साइज में हो। मतलब कि अगर आपके अपने घर में अगर आप टाइल्स वर्क करवा रहे हैं तो पर्टिकुलर जैसे कि मान लो आप आपके घर का एरिया है, लंबाई है मान लो 5 मीटर, चौड़ाई है मान लो 5 मीटर, तो कितना स्क्वायर मीटर हो गया, 25 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 25 मीटर स्क्वायर में हमको क्या करना है, टाइल्स वर्क करना है। ठीक है, अब टाइल्स वर्क करना है तो अगर मान लो अगर आपका एक एक टाइल्स का जो साइज है मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 1 मीटर ले लेते हैं, है ना, 1 मीटर का एक टाइल्स ले लेते हैं। मतलब कि क्या उसकी लंबाई भी मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर है और चौड़ाई भी मैं क्या बोल रहा हूँ 1 मीटर है। आप सोच लो मेरे को 25 वर्ग मीटर में लगाना है टाइल्स तो कितना टाइल्स लगेगा। ठीक है, तो जो भी होगा हमको एग्जैक्ट साइज पता चल जाएगा। अगर मान लो यही टाइल्स आपको क्या होगा बे साइज मिले, मतलब कि इसके कोई साइज फिक्स ना हो, ठीक है, तो आप प्रॉपरली तो मार्केट्स में जाके बाई नहीं कर पाएंगे आपको कि कितना टाइल्स का रिक्वायरमेंट्स है ना, प्रॉपर साइज आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमको एक रेक्टेंगुलर सर्कुलर स्क्वायर एरिया में अगर लगाना है टाइल्स तो आप जनरली क्या करोगे, स्क्वायर टाइल्स यूज करोगे ताकि आपको लॉसेस भी ज्यादा ना हो, ठीक है, और कम्प्लीटली एरिया भी आपका लग जाए टाइल्स। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि प्रॉपर शेप में होना चाहिए और साइज में होना चाहिए। ठीक है, अब आपके टाइल से कैसा साउंड आना चाहिए, पहली बात एक तो रिंगिंग साउंड आना चाहिए, डल साउंड नहीं आना चाहिए कभी भी। ठीक है, रिंगिंग साउंड आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक और पॉइंट है इसमें देखो, इवन एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे किसके, अच्छे टाइल्स के। अब टाइप्स ऑफ टाइल्स पढ़ेंगे यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सिलेबस में दिया भी है, वैरायटीज ऑफ टाइल्स। तो वैरायटीज ऑफ टाइल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो हमारे पास, हमने इसको क्लासिफाई किया है एज अ हमारे फ्लोर्स में जो टाइल्स यूज करते हैं वो फ्लोर टाइल्स, वॉल्स में टाइल्स हम लगाते हैं वो टाइल्स, एंड रूफिंग टाइल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये तीनों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये तीन का सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स में आमतौर पर आपको देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका देखो पहला है क्ले फ्लोर टाइल्स। क्या है आपका, पहला है आपका क्ले फ्लोर टाइल्स। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, एज द नेम सिग्निफाइज दीज टाइल्स आर यूज फॉर फ्लोरिंग इन बिल्डिंग्स। मतलब कि क्या बोल रहा है, फ्लोर का मतलब क्या होता है, जिस पे हम क्या करते हैं चलते हैं, जिसके ऊपर हमारा सामान रखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोर्स। ठीक है, अब इन फ्लोर्स पे हम क्या करते हैं, इन फ्लोर्स पे जो टाइल्स हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोर टाइल्स। ठीक, इसलिए देखो क्या रहा है, पहला पॉइंट एज द नेम सिग्निफाइज दीज टाइल्स आर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग इन बिल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो दीज टाइल्स आर फ्लैट इन शेप। मतलब कि कैसा होता है, एक समतल होता है हमारा ये टाइल्स, एकदम प्लेन होता है। अब इसका साइज कुछ भी हो सकता है, मतलब शेप कुछ भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है आपका, हेक्सागोनल भी हो सकता है, ठीक है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल उसकी साइज शेप हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में आता है, इसको हम एज अ फ्लोर के रूप में फ्लोरिंग में भी यूज कर सकते हैं और एज अ पेवमेंट वर्क में भी इसको यूज कर सकते हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे कि हम पेवर ब्लॉक्स यूज करते हैं तो उसमें एज अ वो पेवर ब्लॉक्स में ये भी आ जाता है आपका टाइल्स, पेवर टाइल्स भी जनरली बोला जाता है। अब इसका डायमेंशन क्या क्या आता है, देखो इसका डायमेंशन आता है 20x20। ये 20 क्या बताता है आपका, हाँ ये 20, आप ये जो 20 बताता है लेंथ और विड्थ बताता है हमारे टाइल्स की। मतलब कि ये वाला अगर भाग 20 है और ये वाला भाग भी कितना है 20 है, और इस टाइल्स की थिकनेस कितनी बोल रही है देखो 2 सेंटीमीटर। ठीक, कितना बोल रहा है 2 सेंटीमीटर बोल रहा है। और क्या क्या साइज में आता है देखो, 15x15 में आता है, उसकी जो थिकनेस कितनी 1.8 है। ठीक है, और क्या आता है देखो, 22 22 22.5 इंटू 22.5 इंटू 2.2 थिकनेस है।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स डायमेंशंस हो गए जनरली हमको जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है। द रिक्वायर्ड क्वालिटीज ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स कैसा होना चाहिए। पहली बात तो देखो ये कहाँ पे होगा, आपका सरफेस पे होगा, फ्लोर पे होगा, इस पे हम चलेंगे। चलेंगे तो क्या होगा, इसमें वियर एंड टियर भी होगा। सामान कुछ रखाएगा, सामान को हम क्या करेंगे, मूव भी करेंगे। मूव करेंगे तो क्या होगा, आपका वियर एंड टियर होगा। ठीक है, हो सकता है टाइल्स फूट जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइल्स कैसा होना चाहिए, वो हमारे जो भी लोड्स आ रहे हैं उसको रसिस्ट कर सके पहली बात तो। ठीक है, उतना स्ट्रांग होना चाहिए और वो वियर एंड टियर को रसिस्ट कर सके। टाइल्स को कहाँ का यूज कर सकते हैं, हम अपने गोडाउन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, गोडाउन में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वहां पे क्या होता है, आपका हैवी लोडिंग्स आता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे पास ऐसे टाइल्स भी है जो इन हैवी लोड्स को आराम से कैरी कर जाते हैं। ठीक है, आमतौर पर नॉर्मल फ्लोरिंग करने पे क्या होता है, वो जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, वो फ्लोरिंग जल्दी खराब हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको बचाने के लिए, एज अ रूफ फ्लोर कवरिंग के रूप में हम टाइल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, वेल बर्न्ट होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। ठीक है, जब उसको स्टक करेंगे तो कैसा राउंड साउंड आना चाहिए, रिंगिंग साउंड आना चाहिए। मतलब कि दो टाइल्स को आपस में अगर टकराया जाए तो जो साउंड आना चाहिए रिंगिंग साउंड आना चाहिए, ये क्या है। ठीक है, और क्या बोलता है, कोई नो विजिबल फॉरेन मटेरियल्स लाइक पेबल्स, मतलब कि कंकड़। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, कोई कंकड़ वंकड़ ना हो हमारे टाइल्स के अंदर में, ग्रिट है ना, लाइन और अदर फ्रेगमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस और साइड्स। ठीक है, ये सब हमको नहीं दिखने चाहिए। दिस और क्या बोल रहे, देखो डायमेंशन स्पेसिफिकेशन विद टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 3 mm फॉर लेंथ एंड विड्थ फॉर प्लस माइनस, हाँ लेंथ के लिए क्या बोल रहा है, लेंथ एंड विड्थ के लिए प्लस माइनस 3 mm चलेगा, एंड थिकनेस के लिए 1.5 mm प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, और कैसा होगा इसका जो टेक्सचर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट द टाइल्स। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्या, क्ले रूफिंग टाइल्स। ठीक है, क्ले क्या बोल रहा है, क्ले रूफिंग टाइल्स, रूफ में यूज करने वाले टाइल्स। इसका मैं एक और आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आमतौर पर आपको समझ में आ जाएगा, खपरेल जिसको आप लोग बोलते हो। तो देखो ये है आपका रूफिंग टाइल्स, आमतौर पर सबने ये सब चीज देखा हुआ है, आपको सबने देखा हुआ ये सब चीज इसको। ठीक है, तो देखो एक तरह का ये भी टाइल्स ही है, ये खपरेल जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, अभी हम इसी रूफ टाइल्स के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम आगे दूसरे टाइल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, क्ले रूफिंग टाइल्स। तो देखो क्या बोल रहा है, दे आर यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू कॉरूगेटेड एंड प्लेन जीआई शीट्स एंड टिम्बर एज अ रूफिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्पेशली स्लोपिंग रूफ। क्या कह रहे हैं, देखो समझो यहाँ पे बात को। देखो ये क्या बोल रहा है, आमतौर पर आजकल आप जो घर देखते होंगे या फिर कोई भी आपको कोई भी स्लोप वाला स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होंगे, तो उनमें उसमें क्या यूज करते हैं, सीट यूज करते हैं, स्टील के सीट्स देखे होंगे जिसको हम जीआई सीट्स बोलते हैं, वो नीले रंग का दिखता है, ऐसा इस टाइप से कुछ रहता है। ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिलता होगा अगर आप ध्यान से देखे होगे तो। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर 1 सेकंड, ऐसा आपको देखने को मिलता होगा, नीले रंग का होता है, या फिर पहले पहले के जमाने में क्या आता था, आपका सिल्वर कलर के भी आते थे स्टील्स के। ठीक है, सीट्स तो उनको जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ये रूफिंग टाइल्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन में एज अ रूफिंग कवरिंग मटेरियल्स के रूप में। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं इसको, हम रूफ में यूज करते हैं बोल रहे हैं, कहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप वाला सरफेस आता हो या फिर स्लोप वाला हमारा कोई रूफिंग हो, तो वहाँ यूज कर सकते हैं हम इसको। उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, ठीक है देखो, एक ये तो होता है एब्सोल्यूट लीक प्रूफ होता है। ठीक है, ड्यूरेबल होता है ना, इजी टू फिक्स होता है ऑन रूफ, है ना, और क्या होता है, लेस मेंटेनेंस को रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पॉट टाइल्स हैं, इसमें फ्लैट टाइल्स हैं, है ना, इलाहाबाद टाइल्स है, मैंगलोर टाइल्स है एंड कॉरूगेटेड टाइल्स है। ये जो आपके जो टाइल्स के मैंने नाम बताए, ये थोड़े से ना इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद टाइल्स, मैंगलोर टाइल्स, ठीक है, कॉरूगेटेड टाइल्स, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो अब इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखो पहला है देखो पॉट टाइल्स। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, इट इज ऑर्डिनरी बट कॉमन क्लास ऑफ रूफिंग टाइल्स। जैसे कि मैंने आपको दिखाया एक पिक्चर पीछे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पॉट टाइल्स ही है एक तरह का वो वाला, ठीक है, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज के, देखो कि ज्यादातर हम गांव में सबसे ज्यादा इसको देखने को मिलते हैं इस टाइप के पॉट टाइल्स को। तो क्या बोल रहे, देखो सेकंड पॉइंट, द टाइल्स द इंडिविजुअल टाइल्स इज सेमी सर्कुलर इन आउटलाइन एंड हैज ए टेपरिंग डायमीटर। क्या बोल रहा है, ये जो सर्कुल, ये इसका जो शेप होता है कैसा होता है, सेमी सर्कुलर होता है। ठीक
ठीक है, थोड़ा सा टैपरिंग होता है इन डायमीटर। कितना होता है? 15 सेंटीमीटर एट वन एंड एंड 10 सेंटीमीटर एट अदर एंड। ठीक है, मतलब ये क्या, एक साइड 15 सेंटीमीटर होता है और एक साइड क्या होता है आपका 10 सेंटीमीटर होता है थोड़ा सा। ठीक है, और क्या होता है देखो, द लेंथ ऑफ सच टाइल इज 20 to 20-25 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैं सबसे पहले आपको पिक्चर दिखा देता हूँ और अच्छे से क्लीन वाला। तो देखो इसी टाइल्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अभी जो हम पॉट टाइल्स पढ़ रहे हैं ना, यही टाइल्स है। ठीक है, हाँ, तो देखो इसकी लेंथ कितनी होती है, 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक, और थिकनेस कितनी हो सकती है, 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पेन टाइल्स भी जनरली कहा जाता है, पेन टाइल्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं देखो, दे आर मोल्डेड बाई पॉटर, मतलब पॉटर कौन होता है हमारा, कुम्हार जिसको हम बोलते हैं, कुम्हार बनाता है भैया इस टाइल्स को। ठीक है, कभी कभी देखो इसकी लंबाई 33 सेंटीमीटर से लेकर के आपको 38 सेंटीमीटर तक भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वैल्यू अपडेट हो सकती है, चेंज हो सकती है, अलग अलग एरियाज में जो भी पॉटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के टाइल्स जनरली तैयार करते हैं। ठीक है, कौन बोल रहे, इसको कौन तैयार करता है, मोल्ड इसको तैयार करता है आपके पॉटर्स, मतलब कि कुम्हार। ठीक है, बाय द हैंड मोल्डेड, है ना। ठीक है, और क्या बोलते, देखो हैंड्स नॉट वेरी डेंस और स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक तो ये हैंड मोल्डेड होते हैं, कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, तो ये उतने ज्यादा डेंस नहीं होते और उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, दे ऑफन हाई हैव ए हाई एब्सॉर्प्शन वैल्यूज एंड हैंड्स कैन सफर ग्रेटर वियर एंड टीयर। ठीक है, हाई एब्सॉर्प्शन वैल्यू होती है इसकी और ये ज्यादा आपके वियर एंड टीयर को रेसिस्ट कर सकता है, झेल सकता है। ठीक है, द पेन टाइल्स डिफर फ्रॉम पॉट टाइल्स इन दैट वे दैट दे आर फर्स्ट मेड एज अ टाइल्स एंड देन एंड द कर्वेचर इज गिवन व्हाइल द क्ले इज इन ग्रीन स्टेज, दे आर जनरली यूज्ड इन रूरल एरियाज। ठीक है, जैसा कि मैंने बहुत चीजें बताई भी दी है इसके बारे में, रूरल एरिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो जितने पॉइंट बताया उतना सफिशियंट आपके लिए एग्जाम पे, यहाँ से ज्यादा पूछेगा नहीं बट आपकी जानकारी के लिए। दूसरा देखो, फ्लैट टाइल्स, नाम से समझ में आ रहा है, एकदम फ्लैट होगा, कोई भी आपको बैंड्स नहीं होंगे, कोई कर्वेचर्स नहीं होगा। ठीक है, एकदम फ्लैट्स होंगे ये इस टाइप के टाइल्स। इसके लिए हम आईएस कोड्स यूज करते हैं, IS 2690 पार्ट 2 के हिसाब से। इसके जो शेप एंड साइज कुछ बताए हुए हैं, जनरली हमको अवेलेबल है रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म इन शेप होता है, यूनिफॉर्म इन साइज होता है। ठीक है, फ्री फ्रॉम होता है डायमेंशन सच एज बैंड्स, ट्विट्स एंड क्रैक्स। ठीक है, इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी निकल के आती है, 75 kg/cm². ठीक है, एंड जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वैल्यू होती है, एब्जॉर्प्शन मतलब कि वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दैट इज अबाउट 20% होती है। ठीक है, दे आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद पॉट टेल्स, मतलब कि क्या, या तो अकेले यूज कर सकते हैं या तो ये आपका पॉट टेल्स के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं, हमारे रूफिंग्स पे, रूफ पे यूज कर सकते हैं, रूफिंग कवरिंग मटेरियल्स के रूप में। ठीक, हाँ, तो देखो नेक्स्ट है हमारा क्या, अलाहाबाद टाइल्स। अलाहाबाद टाइल्स मीन्स व्हाट, देखो नाम सजेस्ट कर रहा है अलाहाबाद। अलाहाबाद कहाँ है हमारा, यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, जगह का नाम आपका प्रयागराज हो चुका है, तो ये जगह पे बना हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ गया अलाहाबाद टाइल्स, और इसका कोई रीजन नहीं है। देखो ये जो टाइल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेटर रूफिंग टाइल्स होते हैं एज कम्पेयर टू आपके पॉट टाइल्स। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इसकी क्वालिटी सुपीरियर होती है और इसको मशीन से प्रेस करके बनाया जाता है। ठीक है, ये दो भागों में आपका बना होता है ये टाइल्स, निचला भाग वाला जो होता है वो चपटा होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला भाग होता है वो कैसा होता है, सेमी सर्कुलर होता है। तो देखो ये जो निचला वाला भाग है, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, ये जो निचला वाला भाग है, मतलब ये जो निचला वाला भाग है दिख रहा है आपको, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर दिख रहा है, चपटा दिख रहा है, ये जो चपटा होता है इसमें एक साइड होता है आपका 25 सेंटीमीटर और अंदर वाला भाग होता है 20 सेंटीमीटर, और एक साइड वाला भाग होता है कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है चपटे वाले भाग की कितनी होती है, 38 से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक। और जो सर्कुलर वाला पोर्शन होता है उसमें जो पहला वाला डायमीटर होता है, जो छोटा वाला डायमीटर वो होता है आपका 120 mm, और जो बड़ा वाला डायमीटर होता है वो कितना होता है, 165 mm। ठीक है, हाँ, और जब इसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जब इसको यूज किया जाता है, मैं यूज करते हैं इसको ओवरलैप करके। अब देखो नेक्स्ट टाइल्स हमारा मैंगलोर टाइल्स। ठीक है, मैंगलोर टाइल्स नाम से समझ में आ रहा है, मैंगलोर कहाँ है आपका, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में बने होने के कारण ये
जिस जगह पे ये बना था इसलिए इसका नाम पड़ गया मैंगलोर टाइल्स। ठीक है, अब ये बोल रहे देखो, दीज दे फॉर्म ए वेरी पॉपुलर क्लास ऑफ रूफिंग टाइल्स इन सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जनरली कहाँ यूज किया जाता है सबसे ज्यादा स्टके कवरिंग्स को? सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में हमारे कंट्री के। ठीक है, और क्या बोल रहे देखो, नेक्स्ट दे आर सो नेम्ड ड्यू टू अर्ली मैन्युफैक्चर्ड इन मैंगलोर साउथ इंडिया। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स इज बिल्ट इन इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट एट द साइड्स। तो देखो आपको पिक्चर्स दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये टाइल्स है आपका, इसमें देखो इंटरलॉकिंग के लिए यहाँ पे खांचे बने हुए, जिससे क्या होता है आपको इंटरलॉकिंग अच्छी मिलती है, पकड़ मजबूत होती है। ठीक है, और ये आपका कुछ ये वो ऐसा टाइल्स दिखता है रियालिटी में। ठीक है, प्रोवाइड क्या बोल रहे देखो, प्रोवाइड बेटर रूट्स, सिंपल कंस्ट्रक्शन एट इकोनॉमिकल कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिकल कॉस्ट में बेटर और सिंपल रूफ कवरिंग मटेरियल हमको मिल जाता है। अब इसके लिए हम यूज करते हैं आईएस 800 6547 1972, मतलब 1972 क्या आपका ईयर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ट्विस्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बैंड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम लेमिनेशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स होना चाहिए, ब्लिस्टर्स होना चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम, ठीक है, डायमेंशन क्या हो सकता है इसका, 410 क्रॉस 235 mm, ठीक है, या फिर 432 250 और 425 से लेकर 260 mm तक हो सकता है इसका डायमेंशन। वेट वेट क्या होगा आपका इसका, वेट हो सकता है आपका 150 एट 105 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 पे, ये हो सकता है अप्रॉक्स 2 kg से लेकर के 3 kg के इन बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उसके क्लासेस दिए हुए, बट अब हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो नेक्स्ट क्या आपका, देखो कॉरूगेटेड ग्लास क्या बोल रहा है, कॉरूगेटेड ग्लास, ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, दिस आर सिमिलर टू फ्लैट टाइल्स इन मेकिंग एक्सेप्ट देयर सर्फेसेस आर कंटूर ड्यूरिंग मॉडलिंग स्टेज। ठीक, स्टेज इन दिस वे दिस टाइल्स आर रेसेंबल कॉरूगेटेड गैलनाइज आयरन शीट्स। ठीक है, जनरली एक तरह का ये गैलनाइज आयरन शीट्स की तरह ही दिखता है, इसकी जो साइज होती है लगभग 40 to 35 mm होती है साइज। ठीक है, सॉरी 40 × 35 cm, मतलब कि 40 cm लेंथ एंड 35 cm इसकी विड्थ। ठीक है, एंड देन और क्या होता है देखो, व्हेन यूज्ड ओवर रूफ ए साइड लैप ऑफ वन और टू टू कॉरुगेशन इज फॉर्म विच गिव्स प्लास्टरिंग इफेक्ट। दे हैव एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ ए क्विकर ड्रेनेज फ्रॉम रेन वाटर। नेक्स्ट क्या है देखो, आपका क्ले ड्रेन स्टाइल्स, दोस स्टाइल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्ले फॉर ए स्पेशल पर्पस ऑफ ए लाइनिंग ऑफ ए ड्रेन आर कॉल्ड ड्रेन टाइल्स। इन शेप दे आर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर, द साइज इज डिटरमाइंड बाय द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ व्हिच दे हैव टू बी यूज्ड, एग्जांपल इरिगेशन ड्रेन्स एंड डोमेस्टिक ड्रेन्स। दिस इज सम काइंड्स ऑफ रूफ टाइल्स। देखो नेक्स्ट हमारा क्या, वॉल टाइल्स, वॉल टाइल्स फोर टाइल्स जो हमारे जनरली वॉल्स पे यूज किया जाता है एज एस्थेटिक्स पर्पस के लिए। वॉल टाइल्स को यूज करने से क्या होता है देखो, तो खर्चा कम आता है पेंट्स का। ठीक है, और जनरली जो रूफ के ऊपर जो भी एसिड अटैक्स हो रहे होंगे या फिर जो भी सनलाइट्स के इफेक्ट आ रहा होगा, वाटर का इफेक्ट आ रहा होगा, ये सब क्या करता है उसको रेसिस्ट कर लेता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, द वॉल टाइल्स आर एम्प्लॉयड इन द इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। क्या बोल रहा है, आपके बिल्डिंग्स के इंटीरियर भाग में और आउटर एक्सटीरियर भाग में इसको यूज किया जाता है एज अ वॉल टाइल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, दिस इज मेनली एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेकोरेशन और एस्थेटिक्स। ठीक है, जैसा आपका आप जैसा चाहते होंगे डेकोरेशन, जैसा एस्थेटिक लुक्स चाहते होंगे उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेरेमिक्स, जनरली ये सेरेमिक्स के बने होते हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट फेस भी बोलते हैं। ठीक है, टाइल्स दैट आर यूज्ड ऑन वॉल्स आर अवेलेबल इन बोथ ग्लेज्ड एंड अनग्लेज्ड फॉर्म, मतलब कि जो भी आपको 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 जो भी वॉल्स में यूज करना है, या तो ग्लेज वाला भी यूज कर सकते हो और अनग्लेज वाला भी यूज कर सकते हो, ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। मोस्टली द वॉल टाइल्स आर ग्लेज्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ ग्लेजिंग व्हेन इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, जो भी हमको मार्केट में अवेलेबल होता है टाइल्स फॉर दी हमारे वॉल्स पे लगाने के लिए, वो जनरली क्या होता है, ग्लेज्ड होता है। ठीक है, ग्लेज वाला हमारे मार्केट्स में अवेलेबल होता है, हमारा एग्जाम्पल ले लो हमारे कॉलेज में लगा हुआ है, आप टाइल्स देख लो वॉल्स के ऊपर ग्लेज वाला टाइल्स है। सेम आता है वेनाइल टाइल्स। ठीक है, यहाँ पे इसका आपको बस नाम याद रखने के लिए कितने टाइप का टाइप्स होता है, पिक्चर्स देखते जाओ ताकि फील्ड्स में आपको जब कभी आप यूज करो तो आपको काम आएगा। ठीक है, देखो विनाइल टाइल्स है, नेक्स्ट आपका देखो मोजेक टाइल्स है। ठीक है,
वैरायटीज देख रहे हैं हम अभी फिलहाल टाइल्स के। इसके बाद आता है आपको ग्लास टाइल्स आता है आमतौर पर, ये भी देखी होगी आपको। ये सब कहाँ यूज होते हैं आपके? वॉल्स पे यूज होते हैं, ठीक है। ग्लास टाइल्स भी बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब हमको एस्थेटिक्स लुक चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली भी है बट अट्रैक्टिव भी है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हमको ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मार्बल्स भी आता है हमारे पास, मार्बल टाइल्स, इसका भी हम यूज करते हैं हमारे किसमें, हमारे वॉल्स में, ठीक है। एज कम्पेयर टू ग्लास टाइल्स ये थोड़े कम कॉस्ट के होते हैं। उसके बाद देखो ग्लास सिरेमिक टाइल्स, जैसे इसको हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे वाटर का ज्यादा इफेक्ट आता हो हमारे, ठीक है, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंट, वाटर प्रूफ होता है ये टाइल्स, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लॉसी होता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, आप उस बेनिफिट्स को पढ़ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बट आपके पास नॉलेज के लिए ये सब, ठीक है। देखो उसके बाद आता है हमारा फ्लोर टाइल्स, हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने रूफ टाइल्स कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया फ्लोर टाइल्स, अब हम बात करते हैं, सॉरी, हमने कवर कर लिया रूफ टाइल्स, वॉल टाइल्स, एंड अब बात कर लेते हैं फ्लोर टाइल्स। हम वेराइटीज देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फ्लोर टाइल्स कहाँ यूज करते हैं? जनरली फ्लोर्स पे यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एग्जाम्पल ग्राउट टाइल्स का। आजकल मार्केट्स में डिजिटल टाइल्स भी आ गए हैं, नैनो टाइल्स भी आ गए हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। इसके बाद अलावा हमारे पास रबर टाइल्स भी आ गए, ये जनरली कहाँ यूज होता है आपके? जो जिम विम होते हैं ना, जिम जिम वाले यूज जहाँ होता है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता हैवी लोड्स होते हैं और इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, तो ये टाइल्स क्या करते हैं, उन लोड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो भी आमतौर पर अगर आप दूसरे टाइल्स यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, टूट जाएंगे। तो हम जनरली रबड़ के टाइल्स यूज करते हैं। उसके बाद नेचुरल स्टोन स्टाइल, जनरली आमतौर पर आप घरों में देखते होंगे पुराने जमानों के, वहाँ पे हम नेचुरल स्टोन स्टाइल यूज करते थे, जैसे कि आप देखोगे काला पत्थर आता था, ठीक है, वो सब टाइल्स के ही फॉर्म पे ही आते हैं। उसके बाद सिरेमिक टाइल्स, जिसको हम अलग से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लास्टिक फ्लोर टाइल्स भी आते हैं, ठीक है, और एक आता है हमारा स्लेट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब कुछ टाइल्स के वैरायटीज थे, हमने तीन टाइप के टाइल्स देखे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। जो इम्पोर्टेंट था वो था आपका रूफ कवरिंग टाइल्स, ठीक है, रूफ पे हम कौन कौन से टाइल्स यूज करते हैं। बाकी जब हम फ्लोरिंग्स पढ़ेंगे तब हम इन टाइल्स को थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से टाइल्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो इतना सफिशियंट है हमारे टाइल्स के लिए, तो थैंक यू।